हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगज़ेब और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 561A CRPC फॉर क्वाशमेंट ऑफ FIR, मतलब FIR को ख़त्म या फिर रद्द करवाने के लिए हम जो एक एप्लीकेशन दाखिल करते हैं उसके ड्राफ्ट के मुताबिक आपसे बात करना चाहता हूँ, आपको रहनुमाई फराम करना चाहता हूँ। तो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं मेरा विजिटिंग कार्ड, आप मुझसे मेरा मोबाइल नंबर, ऑफिस विजिट कर सकते हैं, इसी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आपके लिए सदका जारिया और दूसरों के लिए रहनुमाई हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मुख्तसर सी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्वाशमेंट ऑफ FIR के मुतलक, कि हमने अगर हमारे खिलाफ़ FIR दर्ज हो जाती है, एक जाली FIR, तो वो हम किस तरह से ख़त्म करवा सकते हैं। तो इसका ड्राफ्ट कुछ इस तरह से है कि आप देख सकते हैं कि इन दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची, ये हाई कोर्ट में दाखिल की जाती है जो क्वाशमेंट की आप देख सकते हैं एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 561A CRPC के तहत दाखिल की गई है। ये क्रिमिनल मिसलेंस एप्लीकेशन होती है, जो इसको प्रोसीजर होता है फाइल करने का, वो क्रिमिनल मिसलेंस एप्लीकेशन के बिहा पर या उस तरीके कार में हम फाइल करते हैं ऑफ 2017। ये 2017 की एक क्वाशमेंट ऑफ FIR की एप्लीकेशन का ड्राफ्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इन दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची क्रिमिनल मिसलेंस एप्लीकेशन नंबर ऑफ 2017। अब इसमें जो एप्लीकेंट्स हैं, अक्यूज हैं, जिनके नाम इस FIR में दिए गए हैं, जिनके खिलाफ ये FIR दाखिल की गई है, तो उनके नाम जो एप्लीकेंट अक्यूज हैं वो आप देख सकते हैं मुस्लिम एडल्ट रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, ये कराची की एक FIR के नामजद मुलजमान हैं जिनकी प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने इस विजिटिंग कार्ड के जरिए कवर किया हुआ है। वर्सेज में आप देख सकते हैं वर्सेज किसके खिलाफ दाखिल की गई है ये एप्लीकेशन। दी स्टेट, मतलब जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो पुलिस ने FIR दर्ज की है, और उसके अलावा प्राइवेट पर्सन्स भी हैं। प्राइवेट पर्सन के बाद आप देख सकते हैं कि सीनियर सुप्रिंटेंडेंट, मतलब SSP ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची, तो SSP सेंट्रल कराची, और उसके अलावा SHO नॉर्थ नाजमाबाद, ये सब इसमें रेस्पोंडेंट्स हैं जिनको पार्टी किया गया है, और जो प्राइवेट पर्सन्स हैं उनको भी रेस्पोंडेंट बनाया गया है जिनकी तरफ से ये FIR दर्ज की गई है। तो इसका जो मेन टाइटल है वो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 561A CRPC फॉर क्वाशमेंट ऑफ FIR, FIR को रद्द या फिर FIR को ख़त्म करवाने के लिए 561A एक इनहेरेंट पावर्स होते हैं, लामहदूद अख्तियार होते हैं हाई कोर्ट के, जिसको इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट को अख्तियार है या फिर अख्तियार इस्तेमाल कर सकती है कि FIR को ख़त्म कर दे सिरे से ही। तो अब इसके मुकम्मल ड्राफ्ट की जानिब बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं कि इट इज़ मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट्स पब्लिक अक्यूज पर्सन अबो नेम्ड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू क्वाश द FIR सो एंड सो अंडर सेक्शन 3375337A134 ऑफ PPC 34 PPC, मतलब को अक्यूज ये एक से ज़्यादा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है जिसको क्वाश के लिए एक एप्लीकेशन दी गई है। लॉज डेट है पुलिस स्टेशन नाजमाबाद, नाजमाबाद पुलिस स्टेशन पर ये FIR दर्ज हुई है, नॉर्थ नाजमाबाद कराची, अगेंस्ट द एप्लीकेंट्स पब्लिक अक्यूज्ड अबोनेम्ड अपॉन कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स, ऊपर बयान किए गए हकायक और ग्राउंड्स के नतीजे में इस एप्लीकेशन को अलाउ किया जाए और जो FIR दर्ज की गई है उसको क्वाश, मतलब ख़त्म किया जाए। फैक्ट्स की जानिब बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं फैक्ट्स मतलब जो केस के हकायक हैं एप्लीकेशन के, ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन स्टोरी इज नरेटेड इन द FIR इज अंडर, के जो FIR के मतन है वो कुछ इस तरह से है, दैट द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस इज नरेटेड इन द FIR आर दैट विथ रेफरेंस टू रिपोर्ट नंबर 38/8 अबाउट 9:45 आवर्स ऑन डेटेड सो एंड सो। अब आप देख सकते हैं कि ये टाइम और जगह और जो वाकया है वो मुकम्मल ही बयान किया गया है कि कौन से बुनियाद पर, कौन से हकायक पर ये FIR वगैरह दर्ज हुई, और यहाँ पर टोटली आप देख सकते हैं कि इनके जो हकायक है केस के वो बयान किए गए हैं। अगर इनको मैं रीड करता जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप अगर रीड करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके और ईजिली रीड कर सकते हैं।
नीचे अब जब ये फेक्स मतलब जो हकायक हैं एफआईआर के, एफआईआर खत्म होती है, तो हेंस दिस एप्लीकेशन फॉर क्वाशमेंट ऑफ एफआईआर इज बीइंग प्रेफर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द अबो नेम्ड एप्लीकेंट अक्यूज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि एक्शन में बी टेकन दे अगेंस्ट देम। तो अब यहाँ पर आपने जो आपकी एफआईआर दर्ज हुई है, तो आपने उसका जिक्र लाजमी करना है कि फोटो कॉपी ऑफ एफ आई आर इज अटैच हेयर विथ एंड एनेक्स मार्क्ड एज एनेक्सचर ए। तो आपने, आपके पास अगर मुतल का डॉक्यूमेंट्स हैं, एफ आई आर, चालान या जो कुछ भी है, तो वो आप इसके साथ लगा सकते हैं एप्लीकेशन के। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि चालान जमा होने से पहले, चालान पे अगर 173 CRPC के तहत एक चार्जशीट नहीं दाखिल की गई कोर्ट में, तो फिर आप उस बुनियाद पर क्वाशमेंट दाखिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर चालान सबमिट हो जाता है कोर्ट में और ऑनरेबल कोर्ट एक्सेप्ट करती है, तो उस सूरत में फिर क्वाशमेंट की एप्लीकेशन नहीं दाखिल की जा सकती। तो बढ़ते हैं आगे। हेंस दिस एप्लीकेशन फॉर क्वाशमेंट ऑफ एफ आई आर इज बींग प्रेफर्ड ऑन द फॉलोइंग ऑन द अबोव नेम्ड एप्लीकेंट ऑप्लिक अक्यूज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। नीचे दिए गए ग्राउंड्स के बुनियाद पर यह एप्लीकेशन दाखिल की जा रही है। तो अब ग्राउंड्स की जानब बढ़ते हैं। तो ग्राउंड्स आप देख सकते हैं कि ग्राउंड नंबर 1, दैट द एप्लीकेंट ऑब्लिक अक्यूज पर्सन आर इनोसेंट एंड लॉ अबाइडिंग गुड सिटीजन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड दे हैव बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन दिस फॉल्स एफ आई आर केस ड्यू टू प्रीवियस एनमिटी विद मॉलिफाइड इंटेंशन एंड अल्टीरियर मोटिव्स, अदरवाइज द एप्लीकेंट्स ऑब्लिक अक्यूज हैव नॉट कमिटेड एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। के जो इस एप्लीकेशन के मुताबिक एप्लीकेंट्स या फिर अक्यूज्ड मतलब मुलजमान हैं, वो बेगुनाह हैं, इनोसेंट हैं और कानून के पाबंद हैं, रियासत पाकिस्तान के अच्छे शहरी हैं, और इनको जानबूझकर जाली केसेस में इन्वॉल्व किया गया है, फंसाया गया है, जो कि बदनीयती पर साबित होते हैं, और इनका इनके खिलाफ कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता, मतलब कि इन्होंने कोई भी जुर्म नहीं किया। ग्राउंड नंबर 2, दैट आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ आई आर द एप्लीकेंट्स आर अप्लाइड फॉर प्री अरेस्ट बेल बिफोर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची सेंट्रल हु ग्रांटेड एड एंटीरम बेल वाइड ऑर्डर डेटेड सो एंड सो एंड देयर आफ्टर द सेम वॉज कन्फर्म्ड वाइड ऑर्डर डेटेड सो एंड सो। के जब ये एफ आई आर दाखिल हुई, दर्ज हुई, तो एप्लीकेंट्स ने प्री अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी से पहले की जमानत दाखिल की ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सेंट्रल में, जिन्होंने इसको कन्फर्म किया, जिसकी फोटो कॉपीज ऑफ बेल ऑर्डर इज अटैच हेयर विथ एंड मार्क्ड एज एनेक्सचर बी। के जो फोटो कॉपीज हैं बेल ऑर्डर की, वो इसके साथ एनेक्सचर की जा रही हैं एज बी। ग्राउंड नंबर 3, दैट द एप्लीकेंट्स हैव ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन एंड द मैटर इज ऑल्सो पेंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक अप्रूवल ऑफ चालान। कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इसको ज्वाइन किया गया है एप्लीकेंट्स की जानिब से, और रजिस्ट्रेशन या फिर अप्रूवल जो चालान की होनी है, वो अब तक नहीं हुई। ग्राउंड नंबर 4, दैट द एप्लीकेंट्स सीक्स काइंड इंटेलिजेंस ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट फॉर क्वाशिंग ऑफ अफर मैंशनड एफ आई आर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। के नीचे दिए गए बुनियाद पर क्वाशमेंट की एप्लीकेशन के लिए अर्ज किया जाता है। ग्राउंड नंबर 5, दैट द एप्लीकेंट्स एंड रेस्पोंडेंट नंबर 2 आर रिलेटिव्स एज वेल एज नेबर्स सिंस लॉन्ग। के एप्लीकेंट नंबर 2 जो एप्लीकेंट हैं दो नंबर, और जो रेस्पोंडेंट हैं, वो आपस में रिश्तेदार भी हैं और पड़ोसी भी हैं। ग्राउंड नंबर 6, दैट अकॉर्डिंग टू द स्टोरी मैनिपुलेटेड बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 2 कंप्लेनेंट, द रीजन ऑफ डिस्प्यूट वॉज डोमेस्टिक ऑन द इशू ऑफ थ्रोइंग ऑफ गार्बेज। के स्टोरी के मुताबिक कंप्लेनेंट जो हैं, उनके दरमियान और रेस्पोंडेंट नंबर 2 के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा था, जो कि कचरा फेंकने का था। वेयर इज द रियल फैक्ट्स आर दैट द एप्लीकेंट नंबर 1 नेमली सो एंड सो वॉज सोलमनाइज मैरिज ऑफ आउट ऑफ हिज फैमिली एंड इट वॉज लव मैरिज विथ सो एंड सो, वेयर इज ही वॉज आस्क्ड मैरी विद द सिस्टर ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 2 बाय द फैमिली ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 2 आफ्टर हिज रिफ्यूजल एंड कंट्रैक्टिंग मैरिज विद सो एंड सो सिंस द टाइम
Respondent number 2 and his family are in a state of anger and they have tried several times to create dispute between so and so. But when they got failed, they started creating hurdles, disputes just to satisfy their ego and personal grudge. It is pertaining to mention here that the present FIR is. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ग्राउंड्स में हकायक बताए गए हैं उनके मुताबिक ये आपस में रिश्तेदार भी हैं, पड़ोसी हैं, इनको रिश्तेदारी के लिए ऑफ़र की गई लेकिन जो एप्लीकेंट हैं उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से जो दूसरी पार्टी है रेस्पोंडेंट ने उनके लिए उनकी नज़र में एप्लीकेंट के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया और जिस वजह से वो बहानाबाजी करते थे और मियाँ बीवी के दरमियान तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश करते थे लेकिन वो उसमें नाकाम रहे, जिसके बाद उन्होंने अपनी अना को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एफआईआर दर्ज करवाई। आल्सो लॉज्ड बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 2 विद द मॉलिफाइड इंटेंशन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट फॉल्स स्टोरी एंड आल्सो मेंशन द नेम ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एप्लीकेंट नंबर 1 के जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 है उन्होंने बदनीयती पर यह एफआईआर दर्ज करवाई है जिसमें बच्चों के नाम भी दिए गए हैं। Ground number 7, that the respondent number 2 of the complainant is cable operator and having good relation in PS Nazmabad. Moreover, he is habitual of creating disputes with the family of applicants on one and other pretext. It is pertinent to mention here that this date in the year 2016. FIR was lodged in police station Nazmabad and thereafter FIR was also lodged by both the parties. Thereafter matter was patched up and compromise was filed. Photocopies of FIRs and compromise are attached herewith and marked as annexure C2. आप देख सकते हैं कि ग्राउंड नंबर 2 में यही बताया गया है कि ये मखसूस काम करते थे और नॉर्थ नाजमाबाद पुलिस स्टेशन में इनके ऐसे ताल्लुकात थे, इस वजह से ये एप्लीकेंट की के लिए और उनकी फैमिली के लिए मसलों मसाइल पैदा करते आ रहे हैं। 2016 से इन्होंने दो चार मरतबा एफआईआर दर्ज करवाई जिसकी कॉपीज़ यहाँ इसके साथ लगाई गई है। यहाँ पर आपको मेरी एक एडवाइस होगी कि आपके पास जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो भी कागजात आपके पास मौजूद हों, वो आप केस को मजबूत और हकायक पर मबनी बनाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स इस एप्लीकेशन के साथ आप लाजमी लगाएं ताकि आप अपना केस मजबूती के साथ साबित कर सकें। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं ग्राउंड नंबर 8, दैट आफ्टर फ्यू मंथ्स देयर वाज एन अदर डिस्प्यूट अरोज विच वाज सेटल्ड ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ मोहल्ला एल्डर्स, बट द रेस्पोंडेंट नंबर 2 वाज लुकिंग फॉर सम अदर प्रिटेक्स्ट जस्ट टू ब्रॉट डिसग्रेस टू द एप्लीकेंट्स एंड हिज फैमिली। के कुछ महीने पहले डिस्प्यूट मतलब मसला पैदा हुआ था लेकिन मोहल्ले के बड़ों ने बैठकर और मसले को हल किया, सुलझाया, जिस वजह से फिर वो बाद में आपस में सुलहनामा हुआ। लेकिन रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने हमेशा यही चाहा कि इनकी फैमिली के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो। ग्राउंड नंबर 9, दैट इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन हियर दैट द रेस्पोंडेंट नंबर 2 एंड हिज फैमिली वर वेटिंग फॉर अ परफेक्ट टाइम टू क्रिएट डिस्प्यूट विद द फैमिली ऑफ एप्लीकेंट नंबर 1 एंड ऑन द मैरिज सेरेमनी ऑफ एप्लीकेंट नंबर 3 and exactly on the date of nikah rukhsati they have found that exact time and got registered the above false FIR with the help of police party of PS Nazmabad and the police party of PS Nazmabad have raided at the house of applicant number 1 at time several guests were present at the house of applicant number 1 while the respondent number applicants were seeking bail in the course of law. Photocopies of marriage ceremony card is attached herewith and marked as annexure D. के ग्राउंड यही है, नाइन नंबर ग्राउंड यही है कि रुखसती के वक्त, निकाह के वक्त इनको जानबूझकर एफआईआर में नामजद किया करवाया गया पीएस नॉर्थ नाजमाबाद पुलिस के साथ मिलकर, जिसकी जमानत इन्होंने दाखिल की हुई थी तो इनको जानबूझकर केस में नामजद कर दिया गया, हालांकि इनके पास रिश्तेदार और मेहमान भी मौजूद थे इस शादी के मौके पर। फोटोकॉपीज ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज सेरेमनी कार्ड, मैरिज सेरेमनी कार्ड मतलब जो शादी के कार्ड हैं वो भी इसके साथ अटैच किए गए। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपके पास अगर कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो तो वो आपने इसके साथ लाजमी लगाना है।
उसके बाद फिर बढ़ते हैं ग्राउंड नंबर 10 की जानेब। देट द सन्स ऑफ एप्लीकेंट नंबर 1 नेमली सो एंड सो एंड सो एंड सो आर माइनर्स स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एंड रेस्पोंडेंट नंबर 2 विद मॉडिफाइड इंटेंशन जस्ट टू कॉज मेंटल टॉर्चर टू द एप्लीकेंट्स इज अ प्लेइंग अ ट्रिकी गेम टू इंटरप्ट देयर एजुकेशन कैरियर। के जो एप्लीकेंट नंबर 1 के बेटे हैं, बच्चे हैं, वो अभी नाबालिग हैं, जिनको रेस्पोंडेंट नंबर 2 की जानिब से बदनीयती पर जहनी दबाव का सामना करना पड़ रहा है, करवाया जा रहा है, मतलब एप्लीकेंट नंबर 1 के बच्चों को, और इनको इनके साथ परेशानियां खड़ी करके इनका जो तालीमी करियर है वो ख़राब करना चाहते हैं। ग्राउंड नंबर 11, देट देयर इज़ इनऑर्डिनेट डिले ऑफ 10 months इन लॉजिंग ऑफ FIR, लॉजिंग ऑफ एलेज अबो मैंशनड FIR विदाउट एनी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। के तकरीबन 10 महीने के वक्फे के बाद ये FIR दर्ज करवाई गई है इनके खिलाफ, जिसकी कोई भी वजाहत नहीं बनती। देट इट इज़ पर्टिनेंट टू मैंशन हेयर देट ऑन द सेम डे फैमिली ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 2 अटैक्ट ऑन द सन ऑफ एप्लीकेंट नंबर 1 हु सस्टेंड वाउंड्स एंड इंटरवेंशन दे ऑल्सो बिटन टू द अदर मेंबर्स एप्लीकेंट्स फैमिली। के इनकी जानिब से जानबूझकर हमले किए गए, जिसकी वजह से रेस्पोंडेंट एप्लीकेंट नंबर 1 को काफ़ी नुकसान और जख्म आए, और इनकी फैमिली पर भी, खानदान पर भी तशद्दुद किया गया। देयर आफ्टर द एप्लीकेंट नंबर 1 रश्ड टू हॉस्पिटल फॉर मेडिकल एड, बट द रेस्पोंडेंट नंबर 2 अवॉइडेड एंड कॉल जिरगा वेयर द मैटर वॉज कंप्रोमाइज एंड इन दिस रिगार्ड एन अदर कंप्रोमाइज वॉज ऑल्सो सबमिटेड बिफोर DSP नॉर्थ नाजमाबाद ऑफिस। के जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 हैं, इनकी जानिब से जिरगा करवाया गया और मसले को ख़त्म करवाया गया, कंप्रोमाइज करवाया गया, जिसका बाकायदा सबूत DSP नाथ नाजमाबाद के पास भी जमा करवाया गया। फोटो कापीज ऑफ MLO ऑफ सो एंड सो एंड कंप्रोमाइज हेयर बाय अटेस्ट हेयर विथ एंड मार्क एज एन एक्सचर E&E1। के जो MLO मेडिको लीगल ऑफिसर के जो रिपोर्ट है वो भी इसके इसके साथ लगाई गई है, एप्लीकेशन के साथ लगाई गई है, और जो कंप्रोमाइज हुई है सुलहनामा, उसकी कॉपी भी इसके इसके साथ लगाई गई है। ग्राउंड नंबर 12, देट द एलेज FIR इज लाइबल टू बी क्वाश्ड एज द सेम हैज बीन लॉज बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 2 जस्ट टू डिसग्रेस द एप्लीकेंट नंबर 1 एंड हिज फैमिली नथिंग एल्स। के FIR दर्ज करवाई गई है, जिसको क्वाश किया जाए ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से। रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने ये जानबूझकर FIR दर्ज करवाई है, सिर्फ और सिर्फ जो एप्लीकेंट नंबर 1 है उनकी फैमिली को परेशान करने के लिए, और इसका कोई भी मकसद नहीं। ग्राउंड नंबर 13, देट द रेस्पोंडेंट नंबर 4 आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सेड इलीगल एक्टिविटीज ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 2 एंड रेस्पोंडेंट नंबर 2 एज वेल एज हिज अदर अननोन कंपेनियंस हैव कॉज्ड हरासमेंट एंड थ्रेटनिंग टू द एप्लीकेंट नंबर 1 एंड हिज फैमिली। के रेस्पोंडेंट नंबर 4 की जानिब से जानबूझकर इन गैरकानूनी हरकत जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें हिस्सा लिया गया है, मतलब FIR दर्ज की गई है, और रेस्पोंडेंट नंबर 2 इनके साथ मिलकर हरासमेंट परेशानी का सामना कर पहाड़ खड़ा कर रहा है, और इनकी फैमिली खानदान को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। ग्राउंड नंबर 14, देट द एप्लीकेंट्स आर नाइदर हार्डन क्रिमिनल नार एस्कॉन्डर एंड परमानेंट रेजिडेंट इन कराची एंड दे आर ऑल्सो पीस लविंग एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। के एप्लीकेंट्स ना ही कोई आदि बुनियादी मुजरम हैं, और ना ही इनके बाहर भाग जाने के कोई खतरा आते हैं। ये पाकिस्तान के इज्जत माप शहरी हैं, जो कानून पर अमल करते हैं। ग्राउंड नंबर 15, दैट अदर ग्राउंड्स शैल बी आर्ग्यूड एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन विद काइंड परमिशन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। के ऑनरेबल कोर्ट की इजाज़त से मजीद ग्राउंड्स पेश किए जाएंगे केस की हियरिंग के दौरान। अब आते हैं प्रेयर क्लॉज की जानिब, जो कि इंतहाई अहम एक टॉपिक है, मौजू है, जिस पर हमें बात करनी चाहिए। वो ये कि प्रेयर आपकी इस्तदा ही आपके केस को डिसाइड करती है। जैसे हमेशा मैं आपको कहता हूँ, जैसे पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रेयर ही हमारे केस की डिसाइड करती है कि आया ये सही है या गलत है। तो आप अपनी प्रेयर, मतलब जो इस्तदा है, उस पर ख्याल करें, और बहुत गौर फिक्र के बाद आप अपनी प्रेयर दाखिल करें, और मशवरे के बाद ही आप बेहतर रहेगा कि दाखिल करें।
अब आप यहां पर देख सकते हैं प्रेयर मतलब इस्तदा, इट इज देयर फॉर मोस्ट रेस्पेक्टफुली प्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट ऑब्लिक अक्यूज अबाउट नेम्ड देयर डिसऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज टू क्वाश द एफआईआर के ऑनरेबल कोर्ट से मोदबाना गुजारिश की जाती है कि एफआईआर नंबर सो एंड सो को खत्म किया जाए, वॉश आउट किया जाए, जो कि अंडर सेक्शन दाखिल की गई है पुलिस स्टेशन नाज नाजमाबाद में अगेंस्ट द एप्लीकेंट ऑब्लिक अक्यूज्ड अबाउट नेम्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ फॉरगोइंग फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि ये जो बताए गए हकायक और ग्राउंड्स हैं इनके बुनियाद पर इसको ख़त्म किया जाए, ये इंसाफ के तकाजों को पूरा करेगी। एनी अदर आर फर्दर रिलीफ विच दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम्स फिट एंड प्रॉपर मे ऑल्सो बी अवॉर्डेड, अगर कोई और फायदा या फवायद देना चाहे ऑनरेबल कोर्ट तो ये उसकी मेहरबानी होगी। तो ये थी मुकम्मल वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की, और शेयर करने का मकसद, आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या आपकी रहनमाई हो सके, कानूनी मामलात में आपके लिए जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो सकें। आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, और कम से कम आप अपने रिश्तेदार दोस्तों में से कम 5 से 10 लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं, ताकि दूसरों की रहनमाई और इस चैनल का फ़र्व आम हो सके, ये दूसरों तक भी पहुँचे, ताकि मेरे जो वीडियोज़ बनाने का मकसद है वो पूरा हो सके। ये चैनल आप खुद भी सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके लिए सदका जारिया और दूसरों के लिए रहनमाई साबित हो। अगर आपको कोई किसी किस्म की रहनमाई चाहिए तो आप मेरे इसी कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहर से आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अलहमदिल्ला काफ़ी लोग कॉन्टेक्ट करते हैं थ्रू आउट पाकिस्तान से, जिनमें नादरा क्रिमिनल सिविल कॉन्स्टिट्यूशन सर्विस और इस तरह के मामलों के लिए लोगों को रहनमाई चाहिए होती है, और अलहमदिल्ला मैं उनको बाकायदा से रिप्लाई करता हूँ। तो आखिर में आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको कानूनी लिहाज से बजाय परेशान होने के बेहतर है कि आप रिसर्च करें और कानूनी मामलात को समझें और उनके मसाइल का हल निकालें। किसी भी परेशानी या मुसीबत मसले के लिए आप मुझसे रहनमाई हासिल कर सकते हैं। मायूसी कुफर है, आप रिसर्च करें, आपके मसलों मसाइल हल हो जाएंगे। हक जो राइट जिसको कहा जाता है, हक या फिर हुकूक, वो आपको आपकी मेहनत से आपको छीनने से मिलेंगे, वरना फिर आप रोते फिरेंगे। तो बेहतर है कि आप मेहनत करें। और आखिर में आपके लिए यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, कानून पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी ताकीद करें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियोज़ में, तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद।